तो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए नई डिश लेके आई हूँ, पिज्जा, कढ़ाई पिज्जा। हम लोग कढ़ाई में कैसे पिज्जा बनाते हैं आज आपको मैं बना के दिखाऊंगी। चलिए हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। मैंने रेडीमेड पिज्जा का बेस मंगा के रखा था और इसको अब मैं आपको पिज्जा बना के दिखाऊंगी। चलिए ये सब्जियाँ हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज काट के रखी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के रखी है, थोड़ा सा बोड़ा रखा है और थोड़ा सा दो बड़े टमाटर रखे हैं काट के। मगर टमाटर के आप बीज निकाल दीजिएगा तब आप उसको काटिएगा। और ये पिज्जा बेस का सॉस है। चलते हैं, चलिए इस पे हम लोग पिज्जा का सॉस लगा लेते हैं अच्छे से, बढ़िया से चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से फैला देते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें जो सब्जी हमने कट की थी उसको हम लोग लगाएंगे। शिमला मिर्च लगा लीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें प्याज डाल दीजिए। अच्छी तरीके से प्याज को एक एक स्लाइस का करके उसको बढ़िया से फैला दीजिए, जो कि आप पिज्जा बनाएं तो अच्छी तरीके से सब्जी बनके तैयार हो जाए। और थोड़े से बोड़े डाल लीजिए, फिर उसमें हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे और इसमें हम लोग फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्का सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इससे पिज्जा थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, बढ़िया से इसको डाल लीजिए चीज़ को, जितना है आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप डालिएगा। देखिए मैं अब कढ़ाई में नमक, देखिए मेरा गरम हो गया है। अब मैं इसमें स्टैंड रखूँगी और फिर मैं इसमें पिज्जा रखूँगी। पिज्जे को 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं आपको पिज्जा बनने के बाद। ये देखिए मेरा पिज्जा बनके तैयार हो गया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।